देश के 20 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सहित देश भर के करीब 150 प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल में प्रवेश के लिए होने वाले कॉमन एडमिशन टेस्ट गेट का रिजल्ट शनिवार को घोषित किया गया। इस बार इंदौर के लिए रिजल्ट सौगात लेकर आया। इंदौर के लगभग 50 छात्रों ने 95% से ज्यादा अंक हासिल कर टॉप सूची में स्थान बनाया। इनमें इंदौर की अपूर्वा दीक्षित ने 99.76 स्कोर कर मेरिट लिस्ट में स्थान बनाया। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM में प्रवेश के लिए इस बार आयोजित हुई कैट परीक्षा में इंदौर की अपूर्वा दीक्षित ने 99.76 स्कोर के साथ लड़कियों में सबसे ज्यादा अंक हासिल करने का गौरव प्राप्त किया। अपूर्वा दीक्षित ने स्थानीय सेंट रेफरल स्कूल से पढ़ाई की है। अपूर्वा बताती हैं कि उनका लक्ष्य IIT था, उन्हें चांस नहीं मिल पाया। तब उन्होंने इंदौर के ही मेडिकैप्स इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में BE करने के बाद ही मन बना लिया था कि उन्हें MBA करना है। इस बीच उन्हें TCS कंपनी द्वारा पुणे में जॉब का ऑफर मिला। जॉब करते हुए उन्होंने कैट की तैयारी की, उन्हें इस बार सफलता मिली। अपूर्वा बताती है कि पिछली बार भी उन्होंने कैट दिया था, लेकिन 95% होने के कारण उन्हें भारतीय प्रबंध संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिल पाया। तो सुबह में उठकर कुछ टाइम 3-4 घंटे सुबह मैं पढ़ाई के लिए डिवोट कर दी थी। फिर उसके बाद वहां से आने के बाद खाना वगैरह खाकर मैंने 2-3 घंटे रात में भी रोज तैयारी की। उससे ये हुआ कि एक लगातार कंटिन्यूटी बनी रही। और सैटरडे संडे जब मेरा ऑफ रहता था तो मैं सैटरडे संडे 7-8 आवर्स रोज स्टडी के लिए डिवोट करती थी। ये बताइए कि आप कैट एक काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम है, तो कई बार ऐसा होता है कि अटेम्प्ट पहले अटेम्प्ट में क्रॉस नहीं कर पाते। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट पर अगर आपकी यही ड्रीम है तो कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मेहनत एक ना एक दिन जरूर सफल होती है। अपूर्वा की मां रंजना दीक्षित ने बताया कि अपूर्वा प्रारंभ से ही पढ़ने में अव्वल रही है। घर में भी वह सिर्फ पढ़ाई ही करती थी। कई बार तो उसे मना करना पड़ता था कि अब सो जाओ। वह कभी कभी ही टीवी देखती थी, कहीं भी किसी पारिवारिक कार्यक्रम में कम ही जाती आती थी। आजकल एजुकेशन के लिए काफी लोन हो रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से काफी सुविधाएं हैं, तो बच्चों को उनका जो वो मेहनत कर रहे हैं उनको पेरेंट्स की तरफ से पूरी फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट देना चाहिए कि तुम मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं इसको हमेशा ही करती। लास्ट ईयर भी इसका कम परसेंटेज रहा 95.7, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तू मेहनत कर, हम तेरे साथ, मेहनत का फल तुझे हमेशा मिलेगा, आगे कल तुम्हारा है। मैंने लास्ट ईयर इससे यही कहा था, कोई बात नहीं बेटा, कल तुम्हारा है। नो, इसका तो टीवी पे रुझान पर इसको हमको पढ़ाई से बुक्स बंद करके उठाना पड़ता था कि भैया थोड़ी देर टीवी देख ले, घूम ले, कुछ खा ले। बाकी समय में इसको जगह पे ही सब देती थी, खाने का भी, सोना, इसका सोना सबसे प्रिय है और पढ़ना, बस दो ही। पढ़ाई बंद हुई कि इसको सोना, टीवी भी नहीं देखना, कहीं आना जाना नहीं, इसको अपनी पढ़ाई, इसकी बुक्स प्यारी है। जब इतने मार्क्स आपको मालूम पड़े कि बिटिया ने इतने मार्क्स लेने हैं, किस तरीके से आपको लगा, क्या लगा, आपने किस तरीके भगवान से शुक्रिया अदा किया? सबसे पहले मैंने उसको कांग्रेस करने के भी पहले मैंने को अपने आंसू को रोक नहीं पाई, और सबसे पहले गणेश जी का मैंने धन्यवाद किया कि भगवान खजराना गणेश जी, इसको हमेशा से मैं यही मांगती थी भगवान गणेश जी की, जो उसने जो मेहनत करी है उसको वो कॉलेज मिले, जो उसने मेहनत करी उसको वो कॉलेज मिले, वो हाँ इतनी आगे वो जाए कि उसने आज हम दोनों का नाम रोशन। अपूर्वा का मानना है कि अपने देश में पढ़ाई कर अन्य देश में जाकर सर्विस करने से बेहतर है कि अपने देश में रहकर सेवा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवान न्यूज, इंदौर।